आज इस पड्डल मैदान में हमने जो रेड़ी फड़ी वाले जो लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी एक बैठक हमने रखी है और इनको हमने भारत सरकार द्वारा निर्मित किए गए ई श्रम पोर्टल, जिसके ऊपर जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, मजदूर हैं, उनके पंजीकरण का प्रावधान है। और इस ई श्रम पोर्टल के द्वारा भारत सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल डाटाबेस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का तैयार करना चाहती है। तो इस ई श्रम पोर्टल के ऊपर पंजीकरण कैसे करवाना है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके लिए इन मजदूरों को बताने के लिए हमने आज की इस बैठक का आयोजन किया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे कि मनरेगा मजदूर, रेड़ी फड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, निर्माण कार्यों में काम करने वाले मजदूर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इस प्रकार के सभी मजदूर जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और ऐसे मजदूर इसमें शामिल हैं जो EPF की जो योजना है उसके अंतर्गत कवर ना होते हों, EPF, ESI, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत ना आते हों और इनकम टैक्स पे ही ना हों। तो ऐसे मजदूरों का जो है डाटाबेस जो है भारत सरकार बनाना चाहती है और ये प्रोजेक्ट मोड में ये काम किया जा रहा है। तो इसका जो हमने जो रजिस्ट्रेशन का काम है ये 31 दिसंबर 2021 से पहले कंप्लीट करना है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का भी गठन किया है, जिसके कि बहुत सारे विभाग सदस्य हैं और जिला के डिप्टी कमिश्नर जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो इसकी जो है कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और बैठक में जो है सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को जो है वो जिलाधीश महोदय द्वारा जो है वो कैसे काम करना है पंजीकरण का, उसके दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। तो वो जिला भर में आयोजित करेंगे और जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी ऐसे कैंप जो है वो जगह जगह अपने स्तर पर जो है वो आयोजित करेंगे और इसमें जो है अधिक से अधिक मजदूरों का जो है वो इस ई पोर्टल पर जो है वो पंजीकरण किया जाएगा।